हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनवास सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल स्मार्ट गैजेट। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाले हैं एक वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन का। जहां दोस्तों अरोमा कंपनी की तरफ से ये ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन मैंने परचेस किया हुआ है फ्लिपकार्ट से। इसी के बारे में बताएंगे दोस्तों आप लोगों को, इस लेकर डेट तक बोले तो क्या खास बातें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कहां से ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं, आपके काम का है या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे थे अच्छा खासा वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन लेना बोले तो निक बैंड, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे ताकि लास्ट में ये डिसाइड कर सके कि ये निक बैंड आपके काम का है, आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने पर दोस्तों ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और लगे जानकारी दूसरों को जाना चाहिए तो फेसबुक वाले के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको सवाल सुझाव दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनली खोल के, तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से कुछ पैकेजिंग में आया है फ्लिपकार्ट का। बिलिंग है, डिटेल है, मेरा एड्रेस वगैरह इसको रखते हैं साइड में। तो बॉक्स कवर कुछ नहीं मिलता उसको, इसको रख लेते हैं साइड में। और ये है हमारा फाइनली अरोमा कंपनी तरफ से आने वाला ब्लूटूथ निक बैंड हेडफोन। जो तो चलिए दोस्तों पहले इसमें बॉक्स में क्या क्या स्पेशल दिया हुआ है सो बता दूं सबसे पहले आपको। तो इस तरह से कुछ पैकेजिंग मिल जाता है अपन लोग का, इस तरह से बॉक्स में आता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रांडिंग किया हुआ अरोमा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 48 घंटे ये चलेगा, यहाँ पे बैटरी बैकअप ये भी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप गूगल वगैरह असिस्टेंट जगह चलाते होंगे तो इसी से क्लिक करके आप गूगल असिस्टेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, दिया हुआ NB119D ड्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे से कुछ इस तरह से बहुत सारा स्पेक्स दिया हुआ है, यहाँ भी चलिए कुछ कुछ बता दूँ आपको। तो ये ब्लूटूथ मिल जाता है वर्जन दोस्तों 510 रिच बेस स्टीरियो साउंड, ठीक है। माइक्रोफोन मिल जाता है, इसे आप एक्सरसाइज करते हुए, दौड़ते हुए, नाचते खेलते किसी तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिखाया हुआ है, ब्लूटूथ स्पॉट एयरफोन लिखा हुआ है यहाँ पे। 48 घंटे तक बैटरी बैकअप यहाँ देगा, लेकिन लाइट वेट दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंफर्टेबल ईयरबड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे दोस्तों अपन लोग लगा के क्या कंफर्ट फील होता है या नहीं, ठीक है। देख सकते हैं 10 मीटर तक ये काम करेगा बोले तो, डिस्टेंस इसका है 10 मीटर से दूर जाएगा दोस्तों तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों इसका प्राइस दिया हुआ है 1999 रुपये, जो कि इसका इतना है ना, हम आपको लास्ट में बताएंगे इसका ऑनलाइन ऑफलाइन कितना प्राइस पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा इसमें फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते, फिर देखते हैं फाइनली खोल के। इस बॉक्स के अंदर भी कुछ नहीं मिलता है। और ये देखिए अपन लोग का है ये निक बैंड, जो कि अरोमा कंपनी की तरफ से आता है। दोनों बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो इस क्वालिटी के मैंने परचेस किया दोस्तों, देख सकते हैं। एक और आता है एयरबड का, जो ये इसमें रबड़ लगा रहता है, मैंने उसे परचेस नहीं किया क्योंकि वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कान में पूरा कान का ढक्कन बंद कर देता है। ये अलग बात है कि इससे ज्यादा साउंड बेस उसी में ज्यादा आता है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कानों को पूरा पैक कर देता है, जिससे कि साउंड क्वालिटी अच्छा तो आता है लेकिन बाहर का आवाज सुनाई नहीं देता है। इसमें क्या है दोस्तों, बाहर का आवाज सुन सकते हैं और आपको जो साउंड क्वालिटी देगा वो तो देगा ही देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्वालिटी बता दो किस तरह से है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं अरोमा लिखा हुआ है, ये दोस्तों प्लास्टिक का है, ठीक है। तो क्वालिटी तो देखने में ठीक ठाक ही लग रहा है बोले तो, जबरदस्त क्वालिटी का है। और जो निक बैंड वगैरह मिलता है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उससे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और ये भी दोस्तों इस तरह से मुड़ जाता है, जैसा मुड़े सर मुड़ सकते हैं बोले तो, इजिली कहीं कैरी कर सकते हैं। और इसका वायर बता दो किस तरह से, ताकि लास्ट में आप ये डिसाइड कर सके इसको लेना चाहिए। तो वायर दोस्तों ये देख सकते हैं, जहाँ टूटने का डर रहता है वहाँ बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, इसको इजिली टूटेगा नहीं, ठीक है। और इसे ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। ज़्यादा ही लंबा आपका ये गिरेगा नीचे नहीं, जब अपने गले में घंटी की तरह टांगिएगा तो ये दोस्तों अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं इसे, कितना टांगने का है नहीं करने का, ठीक है। इसमें दोस्तों मैग्नेट नहीं मिल जाता है बोले तो, चुंबक वगैरह कुछ नहीं मिल जाता है उसमें, मिलता है जो रबर का आता है, जो मैंने परचेस उसे किया नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटन मिल जाता है अपन लोग को, ये बीच वाला आपका हो गया पावर ऑन ऑफ करने का, और ये साउंड या फिर गाने वगैरह पॉज प्ले, यही दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल दोस्तों इसको देखा जाए तो क्वालिटी ठीक ठाक ही लग रहा है। यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाता है आपको, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है पूरा, उसको क्वालिटी सब दिखा दिए। अब इसको साउंड क्वालिटी चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ये साउंड क्वालिटी कैसा इसका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको ऑन कर लेते हैं, इस डिवाइस को ऑन करने के लिए देख सकते हैं बीच में जो बटन दिया उसको हल्लू से प्रेस किए रहिएगा तो ये यहाँ लाइट ब्लिंक करेगा, देख सकते हैं यहाँ लाइट ब्लिंक कर रहा है।
देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया NB1190। ठीक है, पेयर कर लेते हैं, पहले कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं 80% बैटरी बैकअप है, बैटरी बचा हुआ है इसका। चलिए सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, पहले फिर डीजे ही बजा लेते हैं कान में, सुन लेते हैं कैसा ये आवाज़ इसका आता है। ठीक है, तो पहले मैं सुन लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बताता हूँ किस तरह से इसका साउंड क्वालिटी है, और लगा लेता हूँ कान में और बताऊँगा आप लोग को कानों में कंफर्टेबल हो रहा था या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका साउंड क्वालिटी नहीं बता सकता, इतना धासु और इतना अच्छा लगा मेरे को सुनने में कि क्या बताएं आप लोगों को। कि दोस्तों उन लोगों को कंपेयर कर देता है जो कि 1500 या 2000 के ऊपर आता है जो निक बैंड, उन लोग से ये कंपेयर कीजिएगा तो भी ये लगभग पहुंच ही जाएगा होता। ठीक है, अगर वो 100% है तो दोस्तों 90% तो है ही उन लोग के मुकाबले, क्योंकि जबरदस्त क्वालिटी के कानों में भी इजिली परफेक्ट बैठ गया ये वाला। आप चाहें तो ऐसा परचेस कर सकते हैं या फिर वो रबर का आता है 100 वाला परचेस कर सकते। ठीक है, कि मैं इसको जानबूझ के ऐसे ही परचेस किया क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी आप देख ले अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है वो सब परचेस कर सकते। ठीक है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इसका साउंड वाकई जबरदस्त है, और उससे बड़ी बात है दोस्तों उसका बैटरी बैकअप जो है वो तो और भी लाजवाब है। बहुत बोले तो आपको इजली दोस्तों 3 से 4 दिन चल जाएगा, तो लगातार 48 घंटा तो यूज नहीं कर सकते, रोजाना 4-5 घंटा तो फिर भी आपको 4 से लेकर 5 दिन तक इजली चल जाएगा। और दोस्तों इसका 6 मंथ का गारंटी भी आपका कुछ होता है तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, फिर जहाँ पे आप परचेस किए रहेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन वहाँ पे इजिली ये रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो ओवर ऑल दोस्तों ये मेरे को अच्छा लगा ये निक बैंड, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। अब इसको बताओ दोस्तों मेरे को कितना पड़ा और आपको कितना पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट से मेरे को ये पड़ा 530 रुपया, अगर चाहे तो ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा, 450-450 रुपये के अंदर मिल जाएगा ऑफलाइन लीजिएगा। तो उसी को ऑनलाइन लीजिएगा दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से प्राइस इसका कम ज्यादा होते रहता है, देख ले अपने अकॉर्डिंग। मेरे को ये 430 रुपये पड़ा, हो सकता है आपको 550 पड़ सकता है, फिर 450 के अंदर भी मिल जाए। तो जहां मिलता है दोस्तों इसे परचेस कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसका सब कुछ ठीक ठाक है मेरे को लगा। और तो इसमें कुछ बताएं सर, ऐसा कुछ है ना दोस्तों, मैं 4-5 दिन या फिर 1 सप्ताह यूज करके फिर आपको बताऊंगा इसका बैटरी बैकअप कितना देता है। नहीं तो यही तो दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेने का। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।